हेलो एंड वेलकम बैक टू सै लतीफ सर अकेडमी दिस इज़ मलिक समीर एंड आई एम प्रेजेंटिंग यू द फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर रीजनिंग सीरीज आई होप कि जितने भी मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे हो गए और सेहत से हो गए और अपनी प्रेपरेशन बड़े जोरों से चल उनकी चल रही होगी ओके okay? जैसा कि आप सबको पता है कि दैट वो हैव फिनिश द थ्री टॉपिकस और आज जो हमारा टॉपिक है जो हमारे रीजनिंग में अगला टॉपिक आता है वो डायरेक्शन टेस्ट का है कि जो भी डायरेक्ट डायरेक्शन टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट कर प्ले करता है हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में ठीक है ऐसा ही तो जो डायरेक्शन टेस्ट हैं ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को लेकिन आज के बाद कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा क्योंकि आज के बाद हम डायरेक्शन टेस्ट को बिल्कुल ही सादा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आई होप कि ये लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में दो या तीन क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो आप बिल्कुल आसानी से बना पाओगे आपको बस करना क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ रहना है और लेक्चर अटेंड करना है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे डायरेक्शन टेस्ट पे जाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है डायरेक्शन टेस्ट को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम एक चीज़ में ड्रा करूँगा ठीक है जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं वो ड्रा करूंगा क्या कोऑर्डिनेट्स में ड्रा करूंगा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट अगर मुझे कोई कहेगा सर 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 डायरेक्शन टेस्ट को कैसे समझे मैं उनको बस बोलूंगा कि इस फिगर को समझो अगर आपने इस फिगर को समझ लिया तो आपने डायरेक्शन टेस्ट को समझ लिया सबसे पहले जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है वो ड्रॉ करना होता है ठीक है ड्रा आपको क्या करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ठीक है देखो बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट है कि आधे ईस्ट इधर आधे वेस्ट इधर आधे नॉर्थ इधर आधे साउथ इधर आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन मेरा फंडा ये है कि अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे आप हमेशा कोऑर्डिनेट ऐसे रखो ठीक है नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे ईस्ट यहां और वेस्ट यहां आप हमेशा ये फिगर जहन में रखो कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा आपकी फिगर साइड में ऐसे आप बना लो बस सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड आपको क्या करना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कॉर्डिटे जहन में होने चाहिए ठीक है तो डायरेक्शन टेस्ट को और समझने के लिए आ, कुछ टिप्स मैं बताने की यहां पे कोशिश करूंगा ओके आ, शाबाश कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको समझनी पड़ेगी ठीक है देखिए सबसे पहला आपको क्या करना है आपको हमेशा ये फिगर दिमाग में रखनी है अपने दिस इज़ नॉर्थ दिस इज साउथ दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपको साइड से डायरेक्ट ये फिगर बना के रखते देंगे बस इतनी सी फिगर होती है अब देखो इस फिगर की मैं प्रॉपर्टीज क्या क्या आपको बताता हूँ ये वाला जो एंगल होता है बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट ये हमेशा 90 डिग्रीज होता है दिस इज़ आल्सो 90 डिग्रीज दिस इज़ आल्सो 90 डिग्रीज़ और दिस इज़ आल्सो 90 डिग्रीज और ये जो ओवरऑल एंगल होता है फोर टर्न में थ्री सिक्सटी डिग्रीज होता है सबसे पहली बात आपको यह समझनी कि अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्डिनेट के बीच में कितना एंगल होता है राइट एंगलट होता है और वो नाइन्टी डिग्रीज होता है चलिए अगली एक और चीज समझती है ऐसे ही ये नॉर्थ ये साउथ ये आपका ईस्ट ये आपका वेस्ट ठीक है मैंने क्या बोला ये एंगल कितना होता है नाइन्टी अगर मैं इसका एक बिल्कुल जो इस पॉइंट के सेंटर से जाएगा बाइसेकटर इसे हम कहते हैं वो क्रॉस करूंगा तो ये एंगल फोर्टी फाइव का जाएगा ये एंगल फोर्टी फाइव का जाएगा ये एंगल फोट सॉरी ये एंगल फोर्टी फाइव का जाएगा ये भी फोर्टी फाइव ये भी फोर्टी फाइव ये भी फोर्टी फाइव और ये भी फोर्टी फाइव ये भी फोर्टी फाइव मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये आपके नाइन्टी डिग्री आपको एग्जाम में ये डायग्राम कभी भी नहीं बनानी है ठीक है देखो ये अगर ईस्ट है ये वेस्ट है तो अगर मैं बताऊं बताओ जी ये डायरेक्शन कौन सी होती है तो हमेशा आपको क्या याद रखना है आपको नॉर्थ से लेने डायरेक्शन तो ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट क्योंकि एंगल इसी के साथ बना रहा है ना वर्टिकल के साथ यहाँ पे ठीक है अगर मैं आपको बताऊँ बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है शाबाश अगर मैं आपको बताऊँ बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है तो आपको क्या कहना है शाबाश आपको कहना है सर 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 ये साउथ ईस्ट है ऐसे अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये क्या हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट और अगर ये साउथ ईस्ट है तो ये आपका क्या आ गया साउथ वेस्ट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये नॉर्थ नौ, है ये साउथ है ये नॉर्थ ईस्ट है ये साउथ ईस्ट है ये साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है वेस्ट नॉर्थ मैंने नहीं लिखा ठीक है आई होप कि आपको समझ आई होगी मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा मैंने सॉरी ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखा ठीक है आपको हमेशा ऊपर से आना है आप हमेशा इस डायरेक्शन में आओ और अगर मैं आपको बोलूँ इस डायरेक्शन में आओ देखो इस डायरेक्शन में आओ बताओ ये डायरेक्शन ठीक है इस इस डायरेक्शन में आना है नॉर्थ ईस्ट इस, इस डायरेक्शन में जाना है साउथ ईस्ट आप हमेशा वर्टिकल को कंसिडर करो ठीक है आई होप कि आपको मेरी यहाँ से भी नॉर्थ वेस्ट यहां से भी साउथ वेस्ट वर्टिकल को रेफरेंस मान के चलो यहां इधर यहां इधर यहां इधर और यहां इधर आई होप कि आपको ये कॉर्डिनेटर समझ आए एग्जाम में कभी भी गलती नहीं करना कि ये पूरे डायग्राम बनाना आपको एग्जाम में सिर्फ ये चीजें पता होनी चाहिए दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट बट ये बनानी नहीं है आपको बनानी सिर्फ इतनी सी डायग्राम है आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बातें बिल्कुल समझ आ रही होगी आपको ये वाले डायग्राम नहीं बनानी इसलिए मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ होप आपको एग्जाम में सिर्फ ये वाली चीज़ बनानी है साइड में बना के रखोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है चलो इसी पे आगे चलते हैं ठीक है इसी पे हम आगे कैसे चलते हैं सपोज 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 जैसे कि मैंने आपको कहा एग्जाम में क्या बनाना है ये वाली डायरेक्शन मैंने बनाई दिस इज योर ईस्ट दिस इज योर वेस्ट दिस इज योर नॉर्थ दिस इज योर साउथ ये हमेशा दिमाग में ये वाले डायग्राम रखनी है देखो सन आपका क्या काम करता है हमेशा ईस्ट से राइज होता है और आपके वेस्ट में आ, सेट होता है ठीक है कि आप कैसे मतलब जाते कैसे ऐसे जाता है नॉर्थ के ऊपर से जाता है ये देखो ये अर्ली इन द मॉर्निंग होता है ये लेट इन इवनिंग होता है ठीक है और ये आपका नून के टाइम पे होता है ऐसे देखो इसमें समझने की बात क्या है आपको यही याद रखना है कि अर्ली अर्ली जो सनराइज है वो ईस्ट की तरफ सॉरी राइज होता है और वेस्ट की साइड से वो आपका सेट हो जाता है अब देखो इसमें समझना क्या होता है ठीक है एक तो आपने ये भी समझा कि इनके बीच में ये नाइनटी एंगल है एंगल समझना है क्या क्या आपको समझना है एंगल्स बिटवीन बिटवीन डायरेक्शंस ठीक है आप तो एक तो आपको ये समझना है और एक तो आपको ये समझना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग और जो इवनिंग के टाइम है उस वक्त जो सन की लोकेशन होती है उससे हमारी इमेज पे क्या असर पड़ता है एग्जामनर ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आजकल एग्ज़ाम में पूछ रहा है आई होप कि मेरे आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि एग्ज़ामर कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा सपोज़ 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 एग्जामनर आपसे क्या पूछेगा ये मैं पैटर्न में भी आगे बताऊँगा एग्जामनर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आप मॉर्निंग में टूवर्ड्स ईस्ट देख रहे हो ठीक है आप मॉर्निंग में टूवर्ड्स ईस्ट देख रहे हो ठीक है सपोज 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 देर इज सम पर्सन ठीक है ये ईस्ट की तरफ देख रहा है ठीक है दिस इज अ पर्सन ये ईस्ट की तरफ देख रहा है दिस इज ईस्ट डायरेक्शन ठीक है ये इसकी बाजू आ गई ठीक है ईस्ट की तरफ देख रहा है सपोज इज द वर्टिकल डायग्राम ठीक है अब मैं यहाँ पे थ्री डी तो बता नहीं सकता ईस्ट की तरफ बता रहा है वो आपको बता वहाँ पे बताया कि बताओ इसकी जो इमेज है वो किस साइड जाएगी देखो बंदा ईस्ट की तरफ देख रहा है बिल्कुल खड़े ठीक है इसकी इमेज कहाँ जाएगी देखो ये अर्ली इन द मॉर्निंग की बात कर रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग ये बिल्कुल सूरज की तरफ देख रहा होगा अब इसकी जो इमेज आएगी वो इसके पीछे बनेगी दैट इज टूवर्ड हिज वेस्ट साइड बनेगी ठीक है आई होप कि आपको समझ आई कि अगर ये बिल्कुल उसकी तरफ देख रहा है सन की तरफ देख रहा है आगे की तरफ ईस्ट की तरफ तो ईस्ट में सनराइज हो रहा है ना तो इसकी इमेज इसके पीछे बनेगी तो सेम अगर ये आफ्टरनून ठीक है अब अगर ये आफ्टरनून वेस्ट या इवनिंग के टाइम वेस्ट की तरफ देख रहा है ठीक है वेस्ट की तरफ आफ्टरनून देख रहा है तो सन अगर इस डायरेक्शन में इसकी तरफ देख रहा है तो इसकी इमेज इसकी पीछे बनेगी आई होप कि आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही होगी देखो एक और कॉन्सेप्ट है देखो अर्ली इन द मॉर्निंग मैं अर्ली इन द मॉर्निंग की बात कर लो अर्ली मॉर्निंग की बात करूंगा ठीक है सपोज एक बंदा है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है ठीक है है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। किस तरफ देख रहा है नॉर्थ की तरफ देख रहा है और देखो अब बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो सपोज 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 ये बंदा ऐसे है ठीक है इसकी टांगे दो आ गई इसकी बाजी बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है और सन मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ से जाएगा ठीक है अब देखो अब जब बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है और सन ईस्ट की तरफ से आ रहा है तो आपको क्या लगता है इसकी इमेज इस साइड बनेगी ना तो इसकी इमेज टुवर्ड्स इट्स वेस्ट बनेगी और वो इसका क्या साइड होगा देखो अगर मैं इसको देखूं इसका राइट साइड ये आ गया और लेफ्ट साइड ये आ गया ठीक है अब देखो लेफ्ट साइड से तो सन आ रहा है ना इसको सन की जो रेज है वो इस पर पड़ रही है तो ओबे सी बात है जो इसकी इमेज बनेगी जो इसकी शेडो बनेगी वो किस साइड बनेगी सॉरी मैं इमेज इज इज अ शेडो ठीक है जो इसकी शेडो बनेगी वो इसके राइट right में बनेगी लेकिन कब अर्ली इन द मॉर्निंग जब सन uh, राइज कर रहा होगा और इस पर इसकी रेज़ uh, पड़ रही होगी तो वो नॉर्थ की तरफ दे रहा देख रहा है तो उसकी शेडो उसके राइट right में बनेगी तो सिमिलरली अगर यही बंदा साउथ की तरफ देख रहा है और ईस्ट की तरफ से अर्ली इन द मॉर्निंग में इस पर रेज पड़ रही है अब तो इसका राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है दैट मीनज़ कि इस वक्त जो इसकी शेडो दिखेगी वो इस बंदे के लेफ्ट साइड में दिखेगी आई आ गया होगा देखो बंदा नॉर्थ की तरफ है बंदा नॉर्थ की तरफ है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सन यहां से आ रहा है नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इसके राइट में इमेज बनेगी ठीक है अगर बंदा साउथ की तरफ देख रहा है ठीक है तो सॉरी uh, जो आपका सन है वो ईस्ट में है तो इस बार इसकी जो शेडो पे होगी वो इसके लेफ्ट साइड में होगी आई होप कि आपको यहाँ तक ये यह चीज समझ आ गई होगी सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं आफ्टरनून में क्या है इसके वेस्ट साइड में चला जाता है सन ठीक है तो बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो सन इस साइड से इसके ऊपर पड़ रहा है बंदा इस साइड देख रहा है ना सॉरी साउथ की साइड देख रहा है ना बंदा साउथ की साइड देख, देख रहा होगा बंदा इस वक्त साउथ की साइड देख रहा होगा देखो अगर बंदा साउथ की साइड देख रहा है तो क्या होगा इस वक्त इसका राइट साइड ये है इसका लेफ्ट साइड ये है देखो अगर आ, सन की रेज इस पर पड़ेगी तो राइट साइड से पड़ेगी तो इसकी जो शेडो है वो लेफ्ट साइड में बनेगी तो सिमिलरली अगर एक बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है ठीक है और इस बार वेस्ट साइड में आफ्टरनून ठीक है सन की रेज इसपे पड़ेगी तो इस वक्त जो इसकी शेडो है वो इसके राइट साइड में होगी क्योंकि डायरेक्शन इस वक्त रही है ना राइट साइड में होगी और सन की रेज लेफ्ट साइड से आएगी और शेडो राइट साइड में बनेगी आई होप कि आपको ये चारों केस समझ आ गए होंगे कि अगर 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 ईस्ट से सन आ रहा है बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा देख रहा है तो इसके लेफ्ट में बनेगी लेकिन अगर यही कंडीशन है और ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है और इस वक्त आफ्टरनून की कंडीशन है तो इमेज सॉरी शेडो शेडो राइट में बनेगी और इसका वाइस वर्सा आप साउथ डायरेक्शन में ले लो अगर बंदा साउथ की तरफ देख रहा है अगर बंदा साउथ की तरफ देख रहा है ठीक है और और, और सूरज की किरणें यहाँ इस साइड से आ रही है तो इसके लेफ्ट में बनेगी और अगर आफ्टरनून की बात है तो आफ्टरनून में क्या होता है वेस्ट की साइड से सन आता है जब इस पर रेज पड़ेगी तो शेडो राइट में बनेगी आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा चले मैं फिर आपको क्या बताता हूँ अगला कॉन्सेप्ट इसका बताता हूँ कि आपको यहाँ पे समझना क्या है ठीक है इस शेडो से मैं कहने की बात क्या करता हूँ आपको बस ये चीज ये चार चीज़ें याद रहनी है, रहनी चाहिए सिमिलरली लेकिन 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 अगर 12 बजे दिन के 12 बारह नून ठीक है आ, बिल्कुल सूरज हमारे सर के ऊपर होता है तो वहाँ पे कोई भी शेडो नहीं होती आई होप कि आपको ये समझ आ गया क्योंकि बारह बजे कोई भी शेडो नहीं होती ठीक है अब देखो क्वेश्चन वो कैसे आपको पूछता है सपोज आपको बंदा क्वेश्चन ऐसे वो पूछता है कि कोई बंदा है कोई बंदा है वो टूवर्ड्स ईस्ट जब मैं टूवर्ड्स साउथ uh, होगा आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट बंदा साउथ की तरफ देख रहा है देखो मैं इस यहां से आपको एक और कॉन्सेप्ट की कोशिश करूं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट यहां पे एक मैं आपको सिखाऊंगा एंड क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये फ्री लेक्चर सीरीज पहुंचे ठीक है दिस इज द बेनिफिट ऑफ आर स्टूडेंट्स देखो कोई भी बंदा है सपोज 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 एक बंदा है देखो अभी मैं बंदे की बात नहीं करूँगा मैंने आपको क्या बोला देखो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होते हैं दिस इज द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ठीक है एंड दिस इज द क्लॉक वाइज डायरेक्शन दिस इज क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आई होप कि आपको क्लॉक का थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा कि क्लॉक uh, वाइज देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एंटी क्लॉक वाइज इस डायरेक्शन में जा रहा है देखो समझ समझने की बात है यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये देखो दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट देखो ये बोल रहा है कि एक बंदा है ठीक है सपोज एक बंदा है वो ईस्ट की तरफ देख रहा है देखने का मतलब कि वो ईस्ट की तरफ चल रहा है और ये बोल रहा है कि ये बंदा क्लॉक ठीक है क्लाक ड्रेड एट्टी डिग्रीज घूम रहा है देखो ये यहां से चल रहा है ना मैंने पहले ही कहा क्लॉकवाइज क्या होता है क्लॉक वाइज ऐसे डायरेक्शन में होता है ना देखो क्लॉक अगर ये बंदा घूमेगा घूमने का मतलब उसी डायरेक्शन पे घूम रहा है अगर ये घूमेगा ये कितने डिग्रीज घूम रहा है वन ये हो गया नाइनटी और दिस इज 90, 90, 90 प्लस 180 ये 180 डिग्रीज पूरा घूम गया अगर ये ईस्ट की तरफ देख रहा था अब ये वेस्ट की तरफ घूम रहा है अब ये वेस्ट की तरफ है सिमिलरली सिमिलरली अगर यही बंदा क्लॉकवाइज वाइज नाइन्टी डिग्रीज घूमा क्लॉक सॉरी यहाँ तो ये क्लॉकवाइज वाइज था अगर यही बंदा एंटी क्लॉकवाइज वाइज एंटी क्लॉकवाइज वाइज ये कंडीशन काट लो अगर यही बंदा एंटी क्लॉकवाइज वाइज अपनी ही जगह पे बैठा हुआ है एंटी क्लाक वाइज़ घूमा कितना घूमा नाइन्टी डिग्री एंटी क्लाक वाइज जब ये घूमेगा तो ये बंदा यहाँ पे पहुँचेगा एंटीग्लॉक वाइज नाइन्टी डिग्री इतना होता है अगर ये यहाँ से किसकी तरफ देख रहा था ईस्ट की तरफ तो बंदा जब नाइन्टी डिग्री बंदा ऐसे था तो बंदा ऐसे हो गया आपको समझ आ रही है बंदा यहाँ पे इधर देख रहा था अब यही बंदा देखो यहाँ पे यहाँ देख रहा था अब ये बंदा जब नाइन्टी घूमेगा तो ये ऊपर की तरफ देखेगा मतलब ये नॉर्थ की तरफ घूमेगा अगर यही बंदा और नाइन्टी डिग्री घूमा तो बंदा फिर से यहाँ पे पहुँच गया अब बंदा और नाइन्टी डिग्री घूमा तो ये बंदा यहाँ पे पहुँच गया अब वेस्ट की तरफ घूमा अब यही बंदा अगर फिर से घूमा तो और सेवनटी डिग्री तो बंदा साउथ पे पहुँच गया अभी साउथ की तरफ देख रहा है और अगर फिर से क्लाक वाइज नाइन्टी घूमा तो ये पुरानी वाले डायरेक्शन पे आ जाएगा आई होप कि आपको समझ आ रही होगी आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कि बंदा यहाँ है यहाँ पहुँचा नहीं मैं बता रहा हूँ ये अपनी जगह पर नाइन्टी डिग्री घूमा क्लाक ठीक है अब आप खुद को ही कंसिडर कर दो अगर आप नाइन्टी डिग्रीज आप इस तरफ इस साइड देख रहे हो आप नाइन्टी डिग्रीज क्लॉक घूमोगे तो बेसी बात है अब यहां से इस साइड को देखोगे अब आप नॉर्थ की साइड देखोगे तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कभी क्लॉक और कभी एंटी क्लॉकवाइज़ बंदा घूम रहा है आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं चलिए फिर आपको मैं अगला कंसेप्ट सिखाता हूं देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें सीखने की कोशिश मैं कराऊंगा बच्चों को वो देखें वो क्या होता है सपोज 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 सबसे पहले क्या करना है मैं यहाँ पे ना ये कॉर्नर पे हमेशा बना के रखूँ जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था अपने प्रैक्टिस प्रपरेशन के टाइम में तो मैं हमेशा ये साइड पे बना के रखता था दिस इज़ योर ईस्ट दिस इज योर वेस्ट दिस इज योर नॉर्थ दिस इज साउथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं आप हमेशा ऐसे ही रखो देखो अगर कोई बंदा है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और वो बोल रहा है कि बंदा राइट साइड इज मूइंग एट राइट एंगल टू हिज लेफ्ट ठीक है और कंप्लीटली लेफ्ट मूव रहा है अगर वो बोल रहा है कि बंदा लेफ्ट साइड यहाँ पर कंप्लीटली लेफ्ट टर्न ले रहा है तो आपको कोई घूम वाली टर्म या ये वाली टर्म नहीं लेनी है आपको मेरी बात समझ नहीं है यहाँ पर आपको सिम्पल नाइन्टी डिग्री टर्न हमेशा लेनी है जब भी क्वेश्चन में वो बोलेगा ठीक है सपोज समीर इज मूइंग टू वर्ड इज ईस्ट एंड आफ्टर ट्रेवलिंग टेन किलोमीटर्स ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट तो जब ये लेफ्ट को मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा और जब ये देखो ईस्ट की तरफ जा रहा है ना बंदा बंदा इस साइड में जा रहा है तो वैसी बात है इसका लेफ्ट यहां और जब यही बंदा वो बोलेगा मूविंग टूवर्ड्स राइट तो ये बंदा यहां की तरफ जाएगा आई होप कि आपको समझ आ, आ गई होगी अब देखो अगर यही बंदा वेस्ट की तरफ घूम रहा है मूविंग टूअर्ड्स राइट अगर ये राइट right की बात कर रहा है तो बंदा ऊपर जाएगा ठीक है और अगर ये लेफ्ट की बात कर रहा है तो बंदा यहाँ पे चला जाएगा अब देखो अगर ये बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ में इसका राइट यहाँ आएगा और जब ये लेफ्ट घूमेगा तो लेफ्ट इसका यहाँ आएगा अब अगर यही बंदा साउथ की तरफ जा रहा है साउथ की तरफ जा रहा है तो साउथ में ये इसका राइट साइड आएगा और ये इसका लेफ्ट साइड आएगा आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर वो बोल रहा है कोई बंदा वो टेन किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है उसके बाद लेफ्ट मो रहा है तो आप बंदे को ऊपर की साइड जा रोगे और आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जब मैं ईस्ट की साइड चल रहा होगा और जब वो एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि पर्सन इज मूविंग टू टूट लेफ्ट तो लेफ़्ट इसका ये आएगा और राइट ये आएगा जब भी बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका राइट ये आएगा लेफ्ट ये आएगा जब भी बंदा वेस्ट की तरफ चल रहा है तो उसका राइट ऐसे आएगा उसका लेफ्ट ऐसे आएगा और जब भी बंदा साउथ की तरफ चल रहा है और उसका राइट ये आएगा और उसका लेफ्ट ये आएगा आई होप कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट मेरा समझ आ गया होगा इसके बाद मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चला जाता हूँ मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको बताऊँगा कि एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है तो कुछ टाइप्स है वो जितना भी मैंने आपको पढ़ा है वो वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया इसमें और जाने की आगे ज़रूरत नहीं है ये देखो तो पहला टाइप ऑफ आप क्वेश्चन आपको एग्जामर ऐसे पूछ सकता है उसमें एग्जामनर आपको क्या देखा इनिशियल डायरेक्शन डायरेक्शन इज गिवन देखो इन दिस टाइप ऑफ ऑफ क्वेश्चन इनिशियल पर्सन मूवमेंट अलॉन्ग विध वेरियस टर्न जूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी इज गिवन द ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइन द फाइनल डायरेक्शन इन विच द पर्सन इज मूविंग आपको क्या बता देता है कि बंदा इनिशियल पॉइंट आपको दिया जाता है और फाइनल डायरेक्शन पूछी जाती है सपोज वो आपको

ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना तो इसका राइट यहां आएगा और इसका लेफ्ट यहां आएगा शी टर्न राइट चलो भाई ये राइट चली गई मूव सम डिस्टेंस चलो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर ली एंड अगेन टू राइट देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना तो इसका राइट यहां आएगा जब भी इस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है इसका राइट यहां और लेफ्ट यहां शी टर्न टू राइट राइट चली गई ठीक है भाई मान लिया आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस चलो ठीक है आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस She turns to left. देखो इसका राइट right इस साइड आएगा और इसका लेफ्ट इस साइड आएगा I hope कि आपको जो मैंने नोटेशन समझाई थी वो आपको समझ आ, आ गई होगी ठीक है देखो अब क्या क्या बोलता है है देखो अब क्या करती है? अब करती ये अपने लेफ्ट की तरफ जाती है ठीक है गोज फॉरवर्ड एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट अब लेफ्ट अब राइट right यहाँ आएगा और लेफ्ट अब राइट right यहां आएगा और लेफ्ट यहां आएगा ठीक है आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ठीक है बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है शी गोज फॉरवर्ड एट अगेन टर्न टू हर लेफ्ट अभी फिर से जाके ये डिस्टेंस का कोई मेंशन नहीं है आपको सिर्फ डायरेक्शन यहां पे देखनी है इसमें सिर्फ डायरेक्शन बोलता है सॉरी ये आपका राइट आ गया था सॉरी अगेन ये लेफ्ट मूव करती है ठीक है एनवी डायरेक्शन वंदना इज गोइंग देखो ये कौन सी डायरेक्शन है सर 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 ये ये तो साउथ uh, है ये तो साउथ डायरेक्शन है साउथ ठीक है आंसर इसका आंसर सही होगा देखो वंदना इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ठीक है नॉर्थ की तरफ जा रही है शी टर्न्स टू राइट ठीक है राइट right में जा चली गई ठीक है सम डिस्टेंस अगेन टर्नस टू राइट ठीक है फिर से राइट right पे चली गई आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू लेफ्ट देखो ओह सॉरी 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 मैंने यहाँ पे आपको गलत करा दिया देखो देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक्चुअली मैंने खुद गला गलत डायरेक्शन ली थी देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए वंदना इज मूइ नॉर्थवर्ड वंदना नॉर्थवर्ड मूव कर रही है ठीक है देखो मेरे से भी एरर हुआ ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन को देखते तो एग्जाम में बड़े ही प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन को इजी सी इजी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा शी टर्न्स राइट ठीक है शी टर्न्स राइट और मूव कर रही है सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स टू राइट देखो इसका लेफ्ट ये है और इसका राइट right ये है ठीक है आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट देखो ये इसका राइट right साइड है देखो अगर मैं यहां की तरफ जा रहा हूं तो आप खुद को इमेजिन करो कि ये आप हो ये आपका राइट right जाता है और ये आपका लेफ्ट जाता है ठीक है ये आपका राइट right जाता है और ये आपका लेफ्ट जाता है एग्जाम क्या पूछता है शी टर्न्स टू हर लेफ्ट इसका मतलब ये इस साइड जा रही है शी टर्न्स टू हर लेफ्ट गोज फॉरवर्ड एंड अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट देखो अब इसका राइट यहाँ आएगा और इसका लेफ्ट यहाँ आएगा तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है शाबाश एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है कि शी अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट इसका मतलब ये इस साइड चली जाएगी अब ये बोल रहा है इज नाउ इज वंदना गोइंग किस डायरेक्शन में वंदना जा रही है आपको तो पता ही है ये मैंने पहले ही बोला था नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये कौन सी डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है शाहबा ये कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ तो है नॉर्थ नॉर्थ आंसर 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 आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा ये था जिसमें आपको इनिशियल डायरेक्शन दी होगी और एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आप फाइनल डायरेक्शन निकालो देखो कि सिंपल है इसमें क्या आपको एग्जामिनर पूछता है कि वेन फाइनल डायरेक्शन इज गिवन इसमें आपको देखो आप अपने घर से गए और आपको कोई किसी लोकेशन पे जाना है आपको यहाँ पे आपकी घर की डायरेक्शन नहीं दी होगी ठीक है सपोज सपोज सपोज़ मैं अनंतनाग में रहता हूँ ठीक है अनंतनाग से मुझे श्रीनगर जाना है ठीक है मुझे श्रीनगर जाना है मुझे श्रीनगर जाना है तो मुझे श्रीनगर की डायरेक्शन दी होगी मुझे अनंतनाग की डायरेक्शन नहीं दी होगी तो मुझे अनंतना की डायरेक्शन मालूम करनी होगी बाय यूजिंग श्रीनगर की डायरेक्शन ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं दिस इज़ ए टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ रहे होंगे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो देखो क्या बोल रहा है हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे देखो शिव गोज फोर किलोमीटर स्ट्रेट शी गोज पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं शी गोज फोर किलोमीटर में सपोज करूंगा फ्रॉम हिज स्कूल ठीक है ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक किलोमीटर ही अगेन मूव्स टू किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट टू रीच हिज होम इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट फ्राम हिज स्कूल देन इन विच डायरेक्शन शिव स्टार्ट मूविंग इनिशियली फ्राम हिस्सूल देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हो गया है शिव अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है लेकिन 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 इसमें क्या दिया हुआ है इसमें जो डायरेक्शन दी हुई है वो स्कूल की दी हुई है ठीक है वो तो ट्रैवल करता है अपने घर से स्कूल तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है लेकिन आपको सिर्फ लोकेशन इस चीज़ की दी हुई है किसकी स्कूल की वो फाइनल डेस्टिनेशन है ना इसकी आपको स्कूल की डायरेक्शन दी हुई है और आपको स्कूल की डायरेक्शन से मेजर uh, करना है कि उसकी कौन सी डायरेक्शन उसके घर की हो सकती है क्वेश्चन ऐसे देखते हैं तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे बड़े ही आसान बड़े ही नज़ाकत से बड़े ही प्यार से ठीक है देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा जब भी एग्जाम में जाओ ये साइड में बना के रख देना ठीक है दिस इज़ नॉर्थ दिस इज़ वेस्ट दिस इज ईस्ट दिस इज साउथ ये भी अगर कभी बनाओगे ऐसे क्वेश्चन में तो बना लो नहीं तो अगर याद ही हो जाएगा तो अच्छी बात है नॉर्थ ईस्ट जैसे साउथ ईस्ट आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट देखो देखो मुझे कोई डायरेक्शन नहीं ना पता है लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि साउथ ईस्ट में है मीनस इस डायरेक्शन में इसका स्कूल है यहाँ 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 मतलब इसका इस डायरेक्शन में स्कूल हो सकता है मैं सपोज इमेज करूँगा कि ये यह यहाँ से इसने शुरुआत की कहाँ से इस पॉइंट से ये इसका स्कूल में इमेजिंग करूँगा ठीक है क्योंकि स्कूल क्या है शबाश स्कूल साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है क्या फ्रॉम हिज स्कूल इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्कूल साउथ ईस्ट क्या है इसका स्कूल अगर इधर है इधर है तो इसका घर यहाँ होना चाहिए ना तो मैं देखूँगा यहाँ इसका स्कूल अगर यहाँ है तो वो वैसी बात है इस कॉरिडोर में फिर मैं देखूंगा कि मैं कहाँ पहुँचाऊँ देखो सबसे पहले ये क्या करता है शी गोज फोर किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल मैं स्कूल को यहाँ इमेजिन करूंगा और स्ट्रेट फोर तो किलोमीटर ट्रैवल करूँगा मैंने अभी मुझे तो पता है देखो अगर ये साउथ ईस्ट में है तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना तो मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा ठीक है उसके बाद ये क्या कहता है ही टर्न्स टू हिज राइट राइट एंड वॉक्स किलोमीटर देखो इस डायरेक्शन में जा रहा था ना तो इसका राइट कौन है ये तो कितने किलोमीटर ट्रेवल किया थ्री किलोमीटर ही अगेन मूव्स टू किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट टू रीच हिस्स हाउस देखो यहां से इसने राइट टर्न लिया और टू किलोमीटर और ट्रेवल किया क्योंकि राइट टर्न ली ना तो टू किलोमीटर और ट्रैवल की इफ हिज स्कूल इफ हिज स्कूल इज लोकेटेड इज साउथ ईस्ट फ्राम हिज सॉरी इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट फ्राम देन इन विच डायरेक्शन शी मूविंग इनिशियली फ्राम हिज स्कूल देखो ना देखो ना देखो ना ये इसका हाउस आ गया ना हाउस आ गया ना तो ये स, देखो ये अगर मैं देखू ये कॉर्डिनेट ये अगर मैं देखू ये कॉर्डिनेट तो ये ये कॉर्डिनेट नहीं है क्या ये यही तो है ये यही तो है क्योंकि मैंने पहले ही जान लिया था कि अगर इसको साउथ ईस्ट में जाना है तो इसको ये चौथा कॉर्डर में ही दूसरे कॉर्डर में ही घूमना पड़ेगा तभी तो मैंने डायरेक्शन ऐसे ली तभी तो मैंने ऐसे डायरेक्शन ली अगर मैं ये लेता तो मैं फिर वेस्ट में पहुंच जाता ठीक है दैट दैट जो इसने इनिशियली स्टार्ट किया था तो ये ईस्ट से स्टार्ट हो गया था आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि, कि के साथ कैसे खेला जाता है कैसे खेला जाता है पहले मैंने बोला कि क्वेश्चन और लॉजिक से प्यार करना सीखो चलो अगला टाइप देखते हैं एक्चुअली इट इज नॉट ए टाइप ये कुछ है, है देखो इसमें क्या होता है डायरेक्शन इज आफ्टर रिप्लेसमेंट देखो इसमें यह क्या कहता है बंदा इसमें ये बोलता है कि अगर कोई बंदा नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट में है और क्या बोलता है अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सॉरी नॉर्थ ईस्ट कोई हाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और अब ये बोल रहा है कि सम, आ, हम इमेजिंग अब ये बोल रहा है कि अगर नॉर्थ को साउथ बना ले और साउथ को नॉर्थ बना ले अगर नॉर्थ को साउथ बना ले और साउथ को नॉर्थ बना ले बताओ नॉर्थ ईस्ट का क्या बनेगा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली कभी कभी पूछा जाता है ठीक है उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता सॉरी फ्रीक्वेंटली ये नहीं पूछा जाता तो देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं इफ़ साउथ वेस्ट देखो सबसे पहले ये डायग्राम है ना ये समझो ऑफ सोल हार्ट है डायरेक्शन uh, सेंस का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो थ्रू इस थ्रू दिस डायग्राम देखो ये क्या है ईस्ट ये क्या है वेस्ट दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ क्या बोल रहा है इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ इफ 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 साउथ वेस्ट वट इज साउथ वेस्ट दिस इज साउथ वेस्ट दिस इज नॉर्थ ईस्ट दिस इज नॉर्थ वेस्ट दिस इज साउथ ईस्ट यही तो है ना देखो क्या बोल रहा है ये बंदा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ साउथ वेस्ट अगर साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ मतलब 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 ये एंटी क्लॉक वाइज कि क्लॉक वाइज है क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज कितनी डिग्रीज मूव कर रहा है देखो ये हो गया नाइन्टी और ये फोर्टी फाइव मतलब वन थर्टी फाइव डिग्रीज अगर मैं क्लॉक वाइज घूमू तो वैसे ही कॉर्डिनेट घूम हो रहा है साउथ वेस्ट को तभी तो वो नॉर्थ बना रहा है यहां यहाँ यहाँ एंटी क्लॉक वाइज इतने सारे डिग्रीज तो मैं छोटा सा वाला ही डिग्री लूंगा देखो ये नाइन्टी और ये फोर्टी फाइव तो कितना आया 135 degrees clockwise. तब जाके साउथ वेस्ट नॉर्थ बना देन विल नॉर्थ ईस्ट बी नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा अगर यही लॉजिक में इस साइड भी लगाऊ देखो मैं इसको भी वन थर्टी फाइव घुमाऊंगा ठीक है अगर मैं इसको वन थर्टी फाइव घुमाऊंटी हो गया फोर्टी फाइव होगा क्लॉक वाइज तो क्या बनेगा साउथ ही तो बनेगा आंसर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा लॉजिक क्वेश्चन में कैसे कैसे घुमा के वो ला सकता है उसके बाद अगला टाइप जो हमारा होता है वेंथ शेडो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि शेडो कैसे आती है देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आगे भी बड़े क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में, में दूंगा आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे और कॉमर्स सेक्शन में मुझे आंसर आप बता देना ठीक है शेडो मैंने पहले ही समझा दिया कि अगर बंदा सॉरी नॉर्थ की तरफ देख रहा है और अर्ली मॉर्निंग है ठीक है और मतलब बिफोर नून है तो इसको इस डायरेक्शन में सन पड़ेगा तो इसके लेफ्ट में इसकी शेडो बनेगी और अगर यही बंदा अगर यही बंदा साउथ की तरफ देख रहा है नॉर्थ की तरफ देख रहा है लेकिन ये इवनिंग का टाइम है तो तब इसके राइट साइड में तब इसके राइट साइड में इसकी शेडो बनेगी तो वाइस वर्षा क्या हो जाएगा वाइस वर्षा जब ये बंदा साउथ की तरफ देख रहा सॉरी साउथ की तरफ देख रहा होगा वहां पे भी ऐसे ही होगा अब देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है ठीक है देखिए इसमें बस वही शेडो का लॉजिक है और उसमें कोई लॉजिक नहीं एट सनराइज मतलब 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 सबसे पहले क्या करना है ये हमेशा साइड में बना के रख देना है ठीक है ये हमेशा साइड में बना के रख देना है इससे आपको बड़ी ही मदद हो जाएगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ देखिए एट सनराइज अमित एंड दीपक अमित एंड दीपक एट सनराइज एट सनराइज अमित एंड दीपक और हेमिंग कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अदर इन फ्रंट जब भी इन फ्रंट का नाम आएगा दैट मीनस फेसिंग ईच अदर फेसिंग ईच अदर याद रखना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है जितने भी मेरे आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो खासकर कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में ठीक है क्योंकि रीजनिंग का थोड़ा हाथ ढीला रहता है तो वो समझ सकते हैं तब का अपने अपने फील्ड की स्ट्रेंग्थ होती है आई होप कि आपको मेरी जितने भी लेक्चर सीरीज है आपको पूरा अंडरस्टैंड हो रहा है कि रीजनिंग में क्या बाई साहब चल रहा है तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश पो, पो, की कि जब भी ईच अदर की बात कही तो समझना वो एक दूसरे को फेस टू फेस बातें कर रहे हैं जैसे हम आपस में दोस्त बात कर रहे होंगे द शेडो ऑफ दीपक देखो द शेडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित देखो सबसे पहले हमें बात चीज पता ही है कि सनराइज है तो ईस्ट साइड से सनराइज होगा ठीक है ईस्ट साइड साइड से से सॉरी सनराइज़ होगा क्या आप हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमित एंड दीपक एक दूसरे से बातें कर रहे हैं ना द शेडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टूवर्ड्स राइट हैंड ऑफ अमित मतलब 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 जो अमित का राइट right साइड है आपको पता है जब भी सन की जो शेडो है किसी बंदे पे पड़ती है अगर वो मॉर्निंग टाइम है तो दो ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है कब हो सकता है अगर बंदा अगर बंदा साउथ की साइड देख रहा होगा अगर बंदा साउथ की साइड देख रहा होगा अगर बंदा साउथ की साइड देख रहा होगा तो उसमें क्या होगा उसके राइट right साइड पे उसकी इमेज पड़ेगी ठीक है या या, या। राइट right साइड में और कब पड़ सकती है अगर सनराइज होगा अगर बंदा ए, इसी ए कंडीशन में हो सकता है ठीक है देखो अब देखो इस कंडीशन को मैं कैसे देखूंगा द शेडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित कहता है कि जो अमित है उसके राइट हैंड ऑफ अमित के राइट right साइड में पड़ती है किसकी दीपक की इमेज मतलब 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 आप क्वेश्चन को समझने की यहाँ पे बड़े अच्छे से कोशिश जब भी इस साइड से पड़ती है इमेज किसी भी बंदे पे तो वो बंदा उस उस बंदे की इमेज राइट साइड में पड़ती है अब देखो समझ मेरी बात इसके राइट में पड़ रही है किसकी इमेज दीपक की द शेड ऑफ दीपक इज फॉर्म टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित तो अमित सपोज अमित ऐसे देख रहा है ये अमित है ठीक है ये साउथ की तरफ देख रहा है तो इसके राइट में किसकी इमेज पड़ रही पड़ रही है दीपक क्योंकि दीपक की तो उसके लेफ्ट में पड़ रही है ना दीपक का लेफ्ट ये है राइट ये है दीपक की उसके लेफ्ट में पड़ती है ठीक है लेकिन अमित साउथ की तरफ देख रहा है ना अमित साउथ की तरफ देख रहा है तभी तो उसको अपने राइट साइड में इसकी इमेज दिखेगी ना अब दीपक को उसकी इमेज अपने लेफ्ट साइड में दिखेगी लेकिन ये क्या बोल रहा है द शेडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टुअर्ड द राइट हैंड ऑफ अमित अमित के राइट हैंड में बन रही है ये अमित की इमेज नहीं है ये दीपक की इमेज है जो इसे दिख रही है यहाँ पे क्योंकि दीपक की तो लेफ़्ट में बनेगी इसका मतलब दीपक नॉर्थ की तरफ देख रहा है और अमित साउथ की तरफ देख रहा है क्योंकि हमें पता है इमेज एक ही कंडीशन में राइट साइड में बना सक बन सकती है जब बंदा साउथ की तरफ देखेगा तो अमित साउथ की तरफ देख रहा है और उसे अपनी इमेज तो राइट साइड में ही दिखे तो ओबेसी बात है उसे इसकी इमेज राइट में तभी दिखेगी अपने राइट में तभी दिखेगी जब ये नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा आई होप आपको समझ आ गई होगी क्योंकि अगर ये भी साउथ की तरफ देख रहा होगा तो फिर तो फेस नहीं ना करेगा या अगर अमित की तरफ देख रहा है। अगर अमित अमित साउथ साउथ की की तरफ तरफ देख देख रहा रहा है है तो उसको अपनी इमेज भी लेफ्ट में दिखेगी तो दैट तो मीन उसको इसकी इमेज भी लेफ्ट में तो ही दिखेगी आपको मेरे बात समझ क्योंकि सन इस साइड से उगता राइज करता है आई होप कि आपको समझ है अगर यही क्वेश्चन होता कि सन सेट हो रहा है तो इवनिंग आफ्टरनून का टाइम है तो फिर उल्टा हो जाता फिर अमित फिर ये कंडीशन बन जाती फिर अमित साउथ की तरफ देख रहा होगा तो फिर ये वाली कंडीशन हो जाती उस कंडीशन में जो अमित है वो साउथ की तरफ देखता अमित साउथ की तरफ देखता ठीक है और जो दीपक था वो नॉर्थ की तरफ देखता तब जाके क्योंकि सन इस साइड से उठता होता ना उस वक्त तब जाके जो अमित को दीपक की साइड इस साइड दिखती क्योंकि तब दीपक का ये लेफ्ट साइड होता और इसको तब ये अपने राइट साइड में दिखती ठीक है आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया आई होप कि आपको समझ आया होगा ठीक है देखो एक और होता है क्लॉक बेसड क्लॉक बेस मैंने अभी आपको समझाया और ये आपके जो क्लॉक्स का टॉपिक है उसमें भी आएगा तो इसको अभी यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब देखो फाइंड रिलेटिव डायरेक्शन रिलेटिव डायरेक्शन एक दूसरे की मतलब एक शहर एक बंदा दूसरे तरफ बंदा दूसरे बंद ये ए जो है बी की तरफ देख रहा है बी सी की तरफ देख रहा है तो आपस में वो बोलता है कि बताओ ए और सी में आपस में क्या डायरेक्शन है तो ऐसे भी वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है ये कोई मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट क्वेश्चन डाल भी सकता है ठीक है इसको भी करने के लिए ये क्वेश्चन आप अगर हो सके तो ट्राई करना अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं ठीक है थीके? देखो अब देखो एक टाइप टू होता है ठीक है टाइप टू में क्या आपको बोलता है अब यहाँ पे डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है इसमें आपको क्या एग्जामिनर पूछता है कि कोई बंदा यहाँ गया फिर राइट गया लेफ्ट गया फलां गया ऊपर गया नीचे दिया बताओ उसने कितनी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की ठीक है तो क्वेश्चन आपसे सिंपल इतना सा पूछता है बताओ इसने कितनी डिस्टेंस कवर की उसके लिए आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए ये वाली चीज नॉर्थ साउथ

मीटर्स नॉर्थ चलो भाई ये टेन ही टर्न लेफ्ट देखो 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 इसका लेफ्ट ये इसका राइट right ये आपको समझना है ये लेफ्ट इसका लेफ्ट ये इसका राइट right ये तो समझने की बात है समझने की बात है ही टर्न लेफ्ट बंदा मेरा मेरा दोस्त लेफ्ट गया अब देखो थर्टी टेन से बड़ा लेना है थोड़ा सा बड़ा लेना है स्केल नहीं लगानी बड़ा लेना है कितने गया थर्टी ठीक है देन अगेन टर्स लेफ्ट अब इसका राइट ऊपर और लेफ्ट नीचे कितना गया फिफ्टी देखो मैंने टेन ना थोड़ा ज्यादा थो, बड़ा ले लिया ये मेरा दोस्त है मेरा पहले टेन गया ये ऊपर नॉर्थ वो उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया ठीक है एंड वॉक थर्टी मीटर्स ठीक है उस देन अगेन टर्न्स लेफ्ट अब राइट ऊपर लेफ्ट नीचे कितना एंड वॉक्स फिफ्टी फिफ्टी ठीक है देन हाउ मच डिस्टेंस विपुल ट्रेवल दस थर्टी फोर्टी फिफ्टी नाइनटी नाइन्टी मीटर आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कल एग्जाम में बड़ा ही जबरदस्त ट्रेंड है इस क्वेश्चन का यहां एक एग्जाम्पर आपसे क्या पूछता है सपोज ए एक बंदा है यहाँ से नॉर्थवर्ड गया फिर साउथवर्ड गए कुछ किलोमीटर फिर साउथ ईस्ट में गया फिर वेस्ट में गया और यहाँ पे पहुंचा बताओ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है देखो इसका इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन ये था अब इसने तो ये वाली पार्ट ट्रैवल की ना इसने तो ये वाली पार्ट ट्रैवल की ठीक है लेकिन आपको शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है शॉर्टेस्ट इनके बीच में आएगी तो उसके लिए आपको एंगल ट्रैगल देखो एक राइट एंगल ट्रैंगल स्क् रेक्ट एंगल बन गया और ये हमारा राइट एंगल ट्रैंगल बन गया ठीक है तो आपको ये वाली चीज निकालनी होती है ठीक है वही चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ यूजिंग पाथेकोर थ्योरम जैसे कि यहाँ पे है ये हाइपॉट होता है ये परपेंडिकुलर होता है ये बेस होता है और हाइपॉटन का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस शाबाश बेस का स्क्वायर लेकिन ये जो बेस के साथ ये एंगल बनाता है दिस शुड बी ऑलवेज नाइन्टी अदरवाइज आप थ्योरम नहीं लगा सकते तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आएगी कैसे निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन को रेक्टेंगल एंगल ट्रेंगल में तोड़ मोड़ के ट्रेंगल कहीं एंगल कहीं से नाइन्टी बनवाना है तो ठीक है दिस इज द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिहड ए जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की गई है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है आई होप कि आपको समझ आए कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है और ये मेनली हाइपा जो मेनलीपोटनोज बनाना होता है वही होते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब देखो ये होता है कि इसमें बोथ पहला तो हमने देखा कि सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है दूसरे में हमने देखा कि डिस्टेंस निकालनी है तो क्वेश्चन में मेनली जो वो पूछता है वो आपको डिस्टेंस निकालने को भी बोलता है और डायरेक्शंस को भी निकालने की कोशिश करता है तो आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप मुझे लेफ्ट राइट बताने की कोई क्वेश्चन जरूरत नहीं है सिर्फ ये बनाना बनाना हमेशा है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बस ठीक है महिमा शबाश गोस टेन किलोमीटर नाउ नॉर्थ महिमा दिस इज महिमा ये जाती है टेन किलोमीटर नॉर्थ कोऑर्डिनेटर्स एक फिक्स uh, रखो ठीक है टेन देन गोज सिक्स किलोमीटर साउथ देन गोज सिक्स किलोमीटर साउथ और वैसे बात है साउथ इसी साइड आएगा ना सॉरी 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 ये नॉर्थ साउथ है ये ईस्ट वेस्ट है सॉरी देखो महिमा गौस टेन किलोमीटर्स नॉर्थ महिमा गौस टेन किलोमीटर नॉर्थ शाबाश ठीक है कितने किलोमीटर ऊपर की तरफ गई है शबाश थोड़ा बड़ा बनाते हैं महिमा गौस टेन किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ महिमा टेन किलोमीटर जाती है नॉर्थ की तरफ ठीक है उसके बाद सिक्स किलोमीटर साउथ साउथ मतलब नीचे की तरफ छह किलोमीटर आती है सपोज यहां तक आती है दिस इज सिक्स एंड दिस इज टेन जब यहां पे पहुंचती है अब ये फेस इसका ऐसे है ना ठीक है अब फेस इसका ऐसे है शी मूज ऑन थ्री किलोमीटर ईस्ट अब ईस्ट की तरफ तीन किलोमीटर जाती है ठीक है एट वट डिस्टेंस इज शी नाउ फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन एंड इन विच डायरेक्शन बोलती है यहाँ से ये यहाँ तक कितना दूर है देखो ये सिक्स है टेन में से सिक्स निकालो तो ये चार बचा ये तीन है तो हमें ये निकालनी है मैंने बताया पाइथागोरस लगाओ देखो कितने कॉन्सेप्ट है ही क्वेश्चन में बेस ये है ये नाइन्टी है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर शाबाश नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर है फाइव का फाइव चलो भाई पांच किलोमीटर है लेकिन किस डायरेक्शन में शाबाश ये कौन सी डायरेक्शन है शाबाश ये कौन सी डायरेक्शन है शाबाश शबाश शबाश ये जो डायरेक्शन है ये 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 किस डायरेक्शन में है ये ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन हमें बताना है ये इस किस डायरेक्शन में है देखो ये तो होता है ना नॉर्थ ईस्ट यही तो होता है ना इनिशियल डायरेक्शन से इनि, सॉरी इनिशियल डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितने किलोमीटर आंसर इसका ये आएगा आई आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी लेकिन थोड़ा बड़ा हो सकता है ठीक है शाबाश मेरे साथ स्पीड में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शाबाश रश्मि गौज टूवर्ड्स ईस्ट शाबाश towards east ईस्ट a अ पॉइंट पी रश्मी कोई भी पॉइंट है पी। पी है ठीक है रश्मि जाती है towards ईस्ट शाबाश क्योंकि आपने पहले ही ये चीज बना के रखी है शाबाश नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट रश्मि गौ starts from अ पॉइंट पी एंड ईस्ट में जा रही है ना ईस्ट की तरफ एंड देन turns लेफ्ट Then turns left. Left direction में चली गई ना शाहबाश इसका लेफ्ट तो यहां पर यही है ना शी वॉक right. चलो थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल की अब इसका लेफ्ट ये है राइट right ये है अब ये राइट right डायरेक्शन में मूव करेगी विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ ये कौन सी डायरेक्शन है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा याद रखना है जो मैंने ऊपर बना के रखा है ठीक है अ मैन गोस फाइव किलोमीटर ईस्ट चलो भाई ये ईस्ट है तो फाइव किलोमीटर बंदे को ईस्ट की तरफ ले जाते हैं देन ही टर्नस राइट देन ही टर्नस राइट ठीक है कितने किलोमीटर शबाश फोर किलोमीटर कितने किलोमीटर शबाश फोर किलोमीटर ये राइट जाता है देन ही टर्नस लेफ्ट देन ही टर्न ये राइट right आ गया ये लेफ्ट आ गया देफ्ट कितने डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है यह कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन आंसर आई होप की आप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे सिंपल सी बात फाइव किलोमीटर ईस्ट देन ही टर्न राइट ही टर्न राइट एंड गो फोर किलोमीटर ठीक है देन ही टर्न लेफ्ट इसका राइट right ये है इसका लेफ्ट ये है और ये किस डायरेक्शन में इस वक्त है इस डायरेक्शन में आंसर 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 आई होप कि आपको बिल्कुल ये सादे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि मैं इनको कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने है आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने है थोड़ा सा पतला कर देते हैं ठीक है देखो सिटी सीज to the south of city B. City C, city C, city C is south of city B. Suppose, suppose ये city B है और इस sorry ये city B है और इसका south क्या है नीचे की तरफ है तो यहाँ पे south नीचे है ना south इस side है तो ठीक है तो यहाँ पे इसका south है तो south city C is to the south of city B and city A and city A is north of city C सिटी सी जो है ना सिटी सी ये है और इसके जो नॉर्थ में है इसके जो नॉर्थ में है वो सिटी ए है वो इसके सिटी ए है आपको बताना है इट विच डायरेक्शन सिटी ए इज लोकेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटी बी सिटी ए इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटी बी किस डायरेक्शन में है देखो हमें क्वेश्चन में कहीं भी आपको लग रहा है आप यहां से क्वेश्चन निकाल सक पाओगे कि ए और बी विद रेस्पेक्ट माई क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन में नहीं निकाल सकते आप क्यों 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 क्योंकि आपको बी और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है अंदर अंतर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हो गया आप एज्यूम करके डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चन ठीक है आपको एज्यूम नहीं करना है अच्छा बी कहीं भी हो सकता है यार बी अब क्या है इसके सी के साउथ में है तो सी के नॉर्थ में ए है तो इसका मतलब ये है कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि बी और ए e का कोई क्या पता इस क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस दी हो तो होगी बिटवीन बी एंड सी एंड सी एंड ए कि ये शहर इससे कितना दूर है और ये शहर इससे कितना दूर है तो तब जाके हमें पता चलता कि ये बी ए के ऊपर है ये बी ए के नीचे है ये थोड़ा सा नीचे है इस साइड है उस साइड है कोई डिस्टेंस तो पता चलती ना हमें तो हमें पता चलता हम बता सकते कि बी और बी ए के साउथ में है या नॉर्थ में है तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन इसको आंसर मार्क करके आएंगे क्योंकि हमें कोई डिस्टेंस नहीं दी हुई है क्या पता ए यहाँ पे हो क्या पता ए ऊपर हो कोई डिस्टेंस हमारे इनके बीच नहीं दिए हुई है तो आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिपार्टमेंट आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे शाबाश चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम आ, शेड शैडोज पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो जो इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ जो एक बंदा है वो फेस uh, कर रहा है टुवर्ड साउथ चलो भाई सबसे पहले क्या करना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये तो दिमाग में हमेशा रखना है जो इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ चलो भाई जो ये है ये साउथ की फेस कर रहा है ठीक एंड टर्न्स 45 डिग्री शाबाश 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 देखो ये जो है and फोर्टी फाइव डिग्रीज एंटी क्लॉक वाइज क्या कर रहा है ये ये जो जो है फेसिंग साउथ चलो मैंने साउथ की तरफ इसको फेस करवाया ठीक है चलो स्ट्रेट या मान लो एंटर्न फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज शबाश इस जगह पे ये फोर्टी फाइव डिग्री में थोड़ा डैश डै 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 करके यहां पे आपको आई होप कि आपको अब कॉर्डिनेटर समझ आ गए होंगे बंदा यहां पे है ना जो ठीक है एंड टर्न्स फोर्टी डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज इस डायरेक्शन में होता है एंटी क्लॉक इस डायरेक्शन में होता है 45 degrees, मतलब 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 इस जगह से ये घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज इस डायरेक्शन में घूमेगा शाबाश इस डायरेक्शन में फोर्टी फाइव डिग्रीज घूमेगा इस डायरेक्शन में घूमेगा शाबाश तो बंदा इस डायरेक्शन में आ गया ना शाबाश फोर्टी फाइव डिग्री चलो भाई एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा दिया इसको ही टर्न्स अगेन वन एटी देखो वन एटी यहां से घूम रहा है ठीक है भाई घुमा दिया वन एटी एंटी क्लॉकवाइज़ देखो फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव और नाइनटी ठीक है ये वन एटी घूम गया ठीक है नाउ ही टर्न्स टू सेवेंटी डिग्रीज क्लॉकवाइज अब जब बंदा इस डायरेक्शन में देख रहा है यहां से क्लॉकवाइज टू सेवेंटी घूम रहा है टू सेवेंटी अगर घूमेगा तो यहां से क्लॉक वाइज घूमते यहां आएगा यह आ गया वन एटी और कितना घूमना है नाइन्टी और फोर्टी फाइव घूमेगा और फोर्टी फाइव घूमेगा तो ये आ गया आपका टोटल टू सेवेंटी टू सेवेंटी डिग्रीज क्लॉक वाइज और बंदा अब इस डायरेक्शन में देख रहा है तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग आपको पता है कि ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है दिस इज द साउथ वेस्ट एंड दिस इज योर आंसर 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 बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था देखो मैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ देखो शाबाश देखो मैं इस क्वेश्चन को बड़े ही जल्दी जल्दी आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से आगे मिलेंगे शाह देखो क्या कर रहा है कि जो जो इज फेसिंग साउथ साउथ चलो भाई जो की तरफ देख रहा है ठीक है एंड टर्न फोर्टी फाइव डिग्री एंटी क्लॉक वाइज देखो मैंने डैश डैश बना, जैसे ये बना 45 तो के जैसे कॉर्न बनाया फोर्टी फाइव डिग्री जब घूमेगा तो यहाँ की तरफ घूमेगा एंटी क्लॉक वाइज उसके बाद देखो ही टर्न्स अगेन वन एटी इन एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इस डायरेक्शन में घूमेगा ना इस डायरेक्शन में तो यहां से 180, ये हो गया फोर्टी फाइव ये हो गया नाइनटी ये हो गया फोर्टी फाइव तो वन एटी इसका टोटल एंगल आ गया ठीक है तो ये नाइनटी होता है ना ये फोर्टी फाइव हो गया ये फोर्टी फाइव हो गया ठीक है अब क्या बोलता है नाउ ही टर्न्स डिग्री क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज घूमेगा तो यहाँ से क्लॉक वाइज घूमेगा कितना टू सेवेंटी देखो ये वन एटी आ जाता है ना और नाइनटी ऐड करना है और फोर्टी फाइव ये ऐड कर दो और फोर्टी फाइव इसके ऐड कर दो तो ये बंदा इस डायरेक्शन में आ गया तो ये साउथ वेस्ट है आंसर 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 देखो इस क्वेश्चन को देखना कितनी तेजी से हम सॉल्व करेंगे मोर्स इज फेसिंग नॉर्थ मोर्स इज फेसिंग मोर्स इज फेसिंग नॉर्थ ठीक है भाई क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये तो हमेशा दिमाग में रखना है भाई इसके बगैर कुछ नहीं सॉल्व होने वाला मोरिस किस की तरफ देख रहा है नॉर्थ की तरफ इन वॉक्स टेन किलोमीटर चलो भाई आपने टेन किलोमीटर ये ट्रैवल किए ठीक है भाई खुश हो गए हम आपने दस किलोमीटर ट्रैवल किए ही टर्स टू सेवेंटी डिग्रीज एंटी क्लॉक वाइज अगर बंदा इधर है और यहां से क्लॉकवाइज ऐसे टू सेवेंटी घूमेगा तो कहाँ पहुंचेगा देखो ये नाइन्टी आ गया ये नाइन्टी आ गया ये नाइन्टी आ गया तो बंदा अगर क्लॉक वाइज घूमेगा वन एटी आ गया तो यहाँ पहुंचेगा तो बंदा अगर यहाँ घूमेगा यहाँ से घूमेगा ठीक है तो बंदा अगर यहाँ से घूमेगा इसी डायरेक्शन से घूमेगा तो ये नाइन्टी आ गया वन एटी आ गया टू सेवेंटी तो बंदा इधर आके पहुँचा इस डायरेक्शन में आप देख रहा है किस डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में ठीक है एंड वॉक्स फिफ्टीन किलोमीटर चलो भाई आप फिफ्टीन किलोमीटर ट्रेवल किए और आप यहां पहुंच गए क्योंकि आप इस डायरेक्शन में देख रहे थे ना बंदा यहां पहुंचा ठीक है ठीक है भाई आप यहां पहुंच गए नाउ ही अगेन टर्न्स फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज अब ये फोर्टी फाइव डिग्रीज क्लाक वाइज मतलब 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 इस डायरेक्शन में यहां से पैंतालीस डिग्री क्लाक वाइज इस डायरेक्शन में आ गए ना और और डिस्टेंस ट्रावल की कितनी ट्वेंटी फाइव किलोमीटर विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ सिंपल सी बात है भाई ये कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट ही तो होती है आई होप कि आपको समझ आया ये तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है ये तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ आया आपको ये नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में बंदा पहुंच गया ये डिस्टेंस भी पहुंच सकता था तो वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर थ्री के आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए ठीक है चलो भाई अब एक और क्वेश्चन पे जाते हैं बॉय वॉक्स किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ए बॉय वॉक्स ट्वेंटी किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट सॉरी ट्व किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट कोई भी बंदा है भाई वो ईस्ट की तरफ पहुंच के बारह किलोमीटर ट्रेवल हो टर्स नाइंटी डिग्रीज क्लॉक वाइज अगर बंदा यहां है ठीक है क्लॉकवाइज मतलब ऐसे नाइंटी घूमेगा तो इतना घूमेगा ना तो साउथ की डायरेक्शन में आ जाएगा बंदा जब यहाँ से खुद को उसी जगह पे बैठ के घुमा रहा है घूम रहा है तो वो साउथ की डायरेक्शन में पहुंचेगा ठीक है तो अब बंदा यही मेरा बंदा जो है यहाँ पे पहुंचा हुआ है और ये बंदा नाइन्टी डिग्रीज घूम रहा है तो बंदा वो बे सी बात है इस डायरेक्शन में आया इस डायरेक्शन में नाइन्टी डिग्रीज घुमा के नाइनटी डिग्रीज घुमा के यहाँ पे आया ठीक है एंड वॉक्स कितना कितने किलोमीटर अभी ट्रैवल करेगा शाबाश पहले तो बारह किया अब कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा ये ट्वेंटी कितने ट्वेंटी 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 शाबाश एंड देन टर्न इज राइट उसके बाद इस डायरेक्शन में आने के बाद इस डायरेक्शन ये ट्वेंटी डि, सॉरी डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में जाने के बाद ये राइट घूमता है राइट घुमा कितने थर्टी थ्री किलोमीटर थर्टी थ्री किलोमीटर अभी बता रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इस पॉइंट से ये पॉइंट सपोज दिस इज ए दिस इज डी कितना दूर है मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये थोड़ा डायग्राम हो गए ये ए है ठीक है तो आपको ये रेक्टेंगल बनाना है देखो ये बीस है तो ये भी बीस होगा ये टोटल थर्टी थ्री है थर्टी थ्री में से ट्वेल्व निकालो तो कितना बचा थर्टी थ्री में से ट निकालो कितना बचा ट्वेंटी वन तो अगर ये ट्वेल्व है तो ये ट्वेंटी वन है हमको ये निकालना है ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी वन तो आंसर क्या आएगा ए बी किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ शबाश ट्वेंटी वन का होल स्क्वायर प्लस ट्वेंटी का होल स्क्वायर ए बी किसके बराबर होगा मैंने बोला था स्क्यर याद करना फोर फोर वन प्लस फोर हंड्रेड That is ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एट फोर वन देखो अब देखना सर हमें तो स्केयर्स ही नहीं यार कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं देखो भाई स्केयर्स कैसे पहचानते हैं आज मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूँ देखो स्केयर्स कैसे पहचानते हैं शाबाश देखो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन स्केयर्स को कैसे पहचानते हैं देखो क्वेश्चंस को देखो सिक्सटी का स्क्वायर अच्छा सिक्सटी का स्क्वायर क्या आएगा सिक्सटी फाइव फाइव हजार ट्वेंटी फाइव फाइव लास्ट में यहाँ पे है फाइव लास्ट में खत्म ये एक आंसर हो ही नहीं सकता ट्वेंटी नाइन का होल स्केयर ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी पहले वन हो सकता है क्या पता हो सकता है पता नहीं देखो ट्वेंटी वन देखो ट्वेंटी वन का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले ही क्या था ट्वेंटी वन का स्क्वायर तो फोर फोर वन है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना फोर्टी थ्री अंडर रूट ऑफ फोर्टी थ्री देखो फोर्टी थ्री का सॉरी फोर्टी थ्री का स्क्वायर फोर्टी थ्री इंटू फोर्टी थ्री 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 ज़र नाइन नाइन तो है नहीं ठीक है ये भी नहीं हो सकता यूनिट डिजिट पर तो है नहीं ना तो बचा क्या ये अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप थर्टी इंटू थर्टी तो पता ही है वो नाइन हंड्रेड होता है तो सी बात है आपका आंसर ट्वेंटी नाइन के ही है तो ट्वेंटी नाइन 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 ज़रा एटी वन पहले वन ही आता है तो आपका आंसर ट्वेंटी नाइन ही आएगा आई होप कि आपको आज एक और ट्रिक पता चल गई कि क्वेश्चन में आकर स्क्वायर आपको नहीं पता तो वो कैसे सॉल्व करते हैं आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जेम्स एंड हरी वायर स्टैंडिंग फेसिंग इज अदर फेसिंग अदर मतलब एक दूसरे के अपो एट एट ए एम एट ए एम मतलब मॉर्निंग टाइम सनराइज मतलब जो सन है वो ईस्ट की साइड से उठ रहा है इस वक्त राइज हो रहा है ठीक है क्या बोल बोल उसके बाद शेडो ऑफ हेनरी फॉल एग्जैक्टली टू हिज राइट टू टूट डायरेक्शन वाज जेम्स फेसिंग क्या बोल रहा है जो शेडो है हेनरी की वो एग्जैक्टली राइट फॉल करती है टू हिज राइट दैट मीनस दैट मीनस मैंने क्या बोला राइट right, कब इमेज पड़ती है जब बंदा साउथ की साइड देख रहा होगा तो उसके राइट right में उसको अपनी भी इमेज दिखेगी और जो उसके अपोजिट बंदा होगा जो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा उसकी इमेज तो उस उस बंदे के लेफ्ट में होगी लेकिन इस बंदे को इस बंदे को वो भी अपने राइट में ही दिखेगी वो भी अपने राइट में दिखेगी ये पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखा लिया था कि अगर बंदा साउथ की तरफ देख रहा है और ईस्ट के साइड से उस पर रोशनी पड़ रही है सनराइज हो रहा है तो उसको जो इमेज दिखेगी वो राइट साइड में हमेशा दिखेगी अपनी भी और जो उसके अपोजिट फेस कर रहा होगा तो शेडो ऑफ हेनरी फॉल एग्जैक्टली exactly टू हिज राइज शेडो ऑफ हेनरी फॉल हेनरी जेम्स सपोज दिस इज जेम्स जेम्स के राइट में हेनरी की हेनरी की इमेज पड़ रही है दैट मीन्स जो हैनरी है जेम्स जो है वो किस साइड को देख रहा है जेम्स साउथ साइड को देख रहा है जेम्स जेम्स साउथ साइड को देख रहा है तभी जाके तो उसके राइट साइड में सुबह की किरण से उसकी शेडो बनी आई होप ये क्लॉप वाला कॉन्सेप्ट आपको सॉरी ये शेडो वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा चलिए अगले क्वेश्चन पे शाबाश देखें ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ठीक है आई होप कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी इजी है मैं आपको ये वाला क्वेश्चन हमने पहले किए हुए ऐसे टाइप क्वेश्चन ठीक है या पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ये आप आप होमवर्क करवा दो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके जो सोल्यूशन है वो आपको दे दूँगा ए पर्सन स्टार्ट टूवर्ड साउथ डायरेक्शन एक बंदा जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है विच आर द फॉलोइंग ऑर्डरक्शन विल लेट हिम टू ईस्ट चलो तीनों चेक करते हैं अगर ये बंदा साउथ की तरफ है ये बंदा साउथ की तरफ है और ये राइट घुमा एक बार ठीक है फिर से राइट घुमा एक बार और फिर से राइट घुमा एक बार ठीक है भाई ये तो यहां पहुंचा यही तो ईस्ट है मैंने देखना ही नहीं ना इसको देखो ना इसको देखो ना इसको देखो आंसर देखो ना बंदा साउथ की तरफ था पहला राइट लिया दूसरा राइट लिया तीसरा राइट लिया तो ईस्ट में आ गए ना तो ठीक है ना क्वेश्चन सॉल्व ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी लेक्चर ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए ठीक है देखो शबाश अट फ्रॉम हिज अटार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक स्ट्रेट फॉर टेन मीटर्स टूअर्ड्स नॉर्थ शबाश एक बंदा है पहले मैं क्वेश्चन देख लू कितने हैं शबाश असार्ट फ्रॉम इस हाउस एक बंदा जो है वो अपने घर से जा रहा है ठीक है कहाँ की तरफ जा रहे हैं मुझे नहीं पता भाई बिल्कुल भी नहीं पता कसम करवा लो मेरे से ठीक है अ मैन स्टार्टस फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक स्ट्रेट फॉर टेन मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ एक बंदा अपने घर से निकल रहा है और नॉर्थ की तरफ ही चला गया सबसे पहले क्या बनाना है आपको हमेशा मैंने आपको बोला ये चीज़ आप पहले ही क्वेश्चन में बना के रखोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ठीक है अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक स्ट्रेट फॉर टेन मीटर्स चलो भाई टर्ड नॉर्थ एंड टर्न इज लेफ्ट राइट आ गया ये इसका लेफ्ट आ गया तो शबाश टर्न इज लेफ्ट लेफ्ट बंदा चला गया कितने किलोमीटर्स एंड ट्वेंटी ठीक है ही देन टर्न राइट एंड वॉक फाइव किलोमीटर अब राइट ऊपर की तरफ जाएगा और फाइव किलोमीटर्स फाइव मीटर्स ये ट्राई करेगा एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक फॉर ट्वेंटी फाइव मीटर्स अभी फिर से राइट बन गया तो कितने किलोमीटर थे करके ट्वेंटी फाइव मीटर इन वी डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ सिंपल ईस्ट आंसर ठीक है शाबाश देखो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा कमाल इज फेसिंग साउथ शाबाश कमाल कमाल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कमाल इज फेसिंग साउथ कमाल भाई अपना कमाल है साउथ की तरफ देख रहा है ठीक है टर्न वन थर्टी फाइव इन एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक मतलब इस डायरेक्शन में तो अगर कोई बंदा इस डायरेक्शन में है 135 थर्टी फाइव कब करेगा हो? एक तो 90 करेगा और 45 करेगा मतलब वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये तो 135 थर्टी फाइव हो गया ना तो बंदा कमाल ने क्या किया शबाश कमाल वन थर्टी फाइव घूम गया बंदा इस डायरेक्शन में आ गया ठीक है एंटी क्लॉक वाइज ही घुमाना एंटी क्लॉक वाइज ही घुमाना वन थर्टी फाइव डिग्री बंदा इस डायरेक्शन में आ गया चलो एंड देन 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन अब वो इस डायरेक्शन में शाबाश अब वो इस डायरेक्शन में वन एटी घूमेगा कितना घूमेगा ये फोर्टी फाइव हो गया ये नाइन्टी हो गया और फोर्टी फाइव घुमा लो तो बंदा इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना फोर्टी फाइव ये फोर्टी फाइव ये और बीच में नाइन्टी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया ना शाबाश वन एटी तो घूमा ना आई होप कि आपको समझ आया वन एटी घुमा तो किस डायरेक्शन में आ गया ये कौन सी डायरेक्शन होती है ये कौन सी डायरेक्शन होती है शाबाश। साउथ वेस्ट आंसर आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ रहे हैं ये आपका होमवर्क रहेगा सेम पैटर्न पे, पे क्वेश्चन है तो क्या फायदा दो दो बार करवाना ठीक है चलिए बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है <laughs> <laughs> तो मेरा लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन करवाने की कोशिश करके पहले जो लास्ट क्वेश्चन है वो शायद इन पर एक नजर मार लेते हैं ये आपको सॉल्व करवाने चलो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ ठीक है शेयर स्टार्ट इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं छोड़ सकते लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं और आपको सॉल्व तो करनी ही पड़ेगी ठीक है पीडीएफ और इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा जैसे मेरे लेक्चर सीरीज एंड हो जाएगी ठीक है शबा और लास्ट क्वेश्चन कहते हैं बड़ा है। ही तगड़ा क्वेश्चन है तभी मैंने आपके लिए रखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पूरा होल्ड हो जाएगा कि हमने कितना अभी तक सीखा हुआ है north, south, east, श्रिया फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक्स मीटर वेस्ट सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट श्रेया ने पी पॉइंट से स्टार्ट किया और वॉक टू मीटर टूवर्ड वेस्ट ठीक है श्रेया ने पी पॉइंट स्टार्ट किया और टू मीटर की तरफ गई ठीक है यहां पे राइट right टर्न लिया और थ्री मीटर थ्री मीटर ऊपर की तरफ क्योंकि राइट टर्न तो ये है ना बिफोर टेकिंग या लेफ्ट टर्न एंड वॉकिंग फाइव किलोमीटर मतलब क्या बोल रहा है कि इसने इस लेफ्ट टर्न से पहले एक राइट right टर्न ले ली तीन मीटर वाली और उसके बाद ये अब लेफ्ट टर्न ले रही है कितना शाबाश लेफ्ट टर्न ले रही है मीटर मीटर शाबाश शाबाश क्योंकि राइट right राइट ये right ये ये लेफ्ट लेफ्ट लेना क्योंकि क्या बोल रही है शी टू क्या राइट टर्न राइट टर्न कब एंड वॉक थ्री मिनट बिफोर किससे इस टर्न से पहले उसने राइट right टर्न ले लिया था थ्री मीटर का किससे किस टर्न से? किस से पहले इस वाली टर्न से पहले जो वो लेफ्ट टर्न लेगी बाद में जो फाइव मीटर्स की होगी तो वही तो मैंने यहाँ पे ले ली क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो ठीक है शी फाइनली टू के लेफ्ट टर्न देखो राइट ऊपर लेफ्ट नीचे शी अगेन टू के शी फाइनली टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक इट थ्री मीटर ठीक है लेफ्ट टर्न लेके नीचे चली गई और ये थ्री मीटर का इससे डिस्टेंस ड्राउला एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू शाबाश ये पॉइंट क्यू पे पहुंची हाउ फार इज इज फार हाउ क्यू फ्रॉम पी शाबाश बताओ भाई कितना है शाबाश हाउ पी से पॉइंट क्यू कितना दूर है एक तो ये दो मीटर है और ये फाइव मीटर है तो टोटल सेवन मीटर आएगा तो टोटल आंसर ये आएगा आंसर ये आएगा, आएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा देखिए श्रे स्टार्ट फ्रॉम पी पी से स्टार्ट किया टू किलोमीटर किधर वेस्ट की कि तरफ शी देन टर्न, एक राइट टर्न लिया उसने यहाँ से एंड वाकिड थ्री किलोमीटर एंड थ्री, थ्री बिफोर टेकिंग लेफ्ट टर्न एंड वॉकिंग फाइव इस टर्न से पहले इसने ये वाला टर्न लिया था ठीक है शी फाइनली टू क्या लेफ्ट टर्न एक लास्ट टर्न लेती है एंड वाकिड थ्री मीटर और वहां पे स्टॉप कर देती है और हमें बोलता है बताओ इसमें और इस पॉइंट में क्या टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये पाँच है तो ये भी पांच हो गया सेवन मीटर आई आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे आज क्लियर हो गए होंगे अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिए चलो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ देखिए मोहन वॉक्स वॉक थर्टी मीटर टूवर्ड साउथ मोहन 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 भैया कैसे है भैया बढ़िया है ठीक है मोहन वॉक थर्टी मीटर्स टूर्ड साउथ मोहन थर्टी मीटर टूवर्ड साउथ साउथ जाएगा ना टू क्या लेफ्ट टर्न एंड वॉक फिफ्टीन टू क्या लेफ्ट टर्न एंड वॉक फिफ्टीन चलो भाई ठीक है ये फिफ्टीन ही देन टू कै राइट टर्न इसके बाद एक राइट right टर्न लेता है और बीस मीटर चलता है ठीक है भाई आप ले लो आपकी मर्जी है भाई। एक और राइट right टर्न ले लिया। 15 का। इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये इसका फाइनल पॉइंट है एक तो ये थर्टी प्लस ट्वेंटी मीटर आंसर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार इजीली कर सकते हो आप लोग देखिए एक क्वेश्चन क्या था मोहन वॉक थर्टी किलोमीटर थर्टी मीटर टूवर्ड साउथ साउथ की तरफ तीस ठीक है टू क्या राइट टर्न ये ओ सॉरी मैंने यहाँ पे राइट टर्न लेना था तो मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया देखो मेरे से भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत तो हो सकते हैं नई से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम देखो क्वेश्चन को रिचेक करना होता है आंसर डिफरेंट भी आ सकता है इस वक्त क्या पता आंसर लेकिन फिफ्टी आएगा देख लेना नहीं सेवन आएगा देख लेना मोहन वाक्स थर्टी मीटर्स टूर्स साउथ मोहन ने थर्टी किलोमीटर थर्टी मीटर्स साउथ की तरफ किया ठीक है टू क्या राइट लेफ्ट टर्न शाबाश हाँ मैंने तो ठीक किया था ना राइट थोड़ी था टू क्या लेफ्ट टर्न फिफ्टीन किलोमीटर्स का ठीक है क्योंकि राइट ये है और लेफ्ट ये है ठीक है टू क्या राइट टर्न ही देन टू क्या राइट टर्न एक और राइट टर्न लेता है बीस का ये अगेन तो क्या राइट टर्न ठीक है एक और राइट right टर्न ले लेता है पंद्रह का और ये डिस्टेंस हमसे पूछता है ठीक है ये बीस है वो थर्टी है थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी आंसर है आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे उसके बाद एक और लेक्चर दो लेक्चर आएंगे और आपका रीजनिंग का जितना भी टॉपिक था वो कवर हो गया है आई होप कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए और आपकी जितनी भी क्लासेस है वो रेगुलरली मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा को, अपार्ट फ्रॉम मेरा बड़ा ही बिजी स्केड्यूल रहता है बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे जितना भी मेरे से फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड हो वो होगा भी और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जैसी स्टार्ट करने वाले हैं हम एक परफेक्ट कोर्स जिसमें आपका पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर किया जाएगा आई होप कि आपको लेकर पसंद आया होगा आप लाइक और शेयर कीजिए थैंक यू